ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आई एम श्योर दैट ऑडिबल, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक से आ रही है और स्क्रीन जो है वो विजिबल है। कोई भी पार्टिसिपेंट काइंडली इसको सिर्फ कंफर्म कर दे। हमारे पास आपका बैच जो है वो 30th बैच है और 30th बैच में हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सिर्फ कंफर्म कर दीजिएगा कि स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज़ जो है वो आपको बिल्कुल ठीक आ रही है, ताकि हम यहाँ से प्रोसीड फर्दर करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, हमें बात करनी है कुछ सेशन के बारे में, एजुकेटर्स के जॉब के हवाले से। सो विदाउट वेस्टिंग इवन ए सिंगल सेकेंड हम प्रोसीड फर्दर करेंगे। कुछ सेकेंड्स वेट कर लेते हैं, अभी 8:01 हुए हैं, तो हम कुछ सेकंड्स 20 से 30 सेकंड्स मजीद वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। कुछ सेकंड्स इसलिए वेट कर लेते हैं कि अगर कोई पार्टिसिपेंट्स हमारे ऐसे हैं जो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए अभी, या उन्हें कोई इशू है, तो वो हमें ज्वाइन कर लें ताकि हम जो है वो फिर आगे चलें। अच्छा जी, मीनवाइल पार्टिसिपेंट्स जो हैं, एक बड़े अरसे से हम टाइम एंड अगेन ये सुन रहे हैं और बार बार हमें जो है वो ये सुनने में आ रहा है कि एजुकेटर्स की जॉब्स जो हैं वो आ रही हैं, एजुकेटर्स की जॉब्स आ रही हैं। एक ऐसी कशमकश में सारे के सारे पड़े हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि अभी तो हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए, या अभी हमें तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए, अभी प्रॉपर टाइम नहीं है, या अभी प्रॉपर टाइम है। इंग्लिश में एक नॉवल है बड़ा अच्छा सा, चार्ल्स डिकन्स ने उसको लिखा है, ए टेल ऑफ टू सिटीज के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं कि इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। सो वैसी ही सिचुएशन है, ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा था, ऐसे लगता है कि बहुत बुरा था। हमारे पास 2022 में अभी ये जो साल ख़त्म हो रहा है, उसमें से सबसे रिलायबल जो सोर्स है, जो कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं, 2 से 3 तरह के सोर्सेज होते हैं जो हमेशा हम जिन पर रिलाई कर सकते हैं, जिन पर हम जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं। सो ये सोर्स जो है कि जॉब्स आ रही हैं, इनके सोर्स हमारे पास खुद मुराद राज साहब हैं, जो कि हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से सिचुएशंस को फेस किया और वाली और तहसीलों के लिए जो कि 2020 में आई थी, 2019 में, उसके अलावा नहीं आ सकी, तो ये बहुत सर्टन है कि जॉब्स आपके लिए डेफिनेटली आएंगी। ठीक है, सो ये समझना कि हमारे पास जो है वो शायद ये ना आए, और कभी भी मुराद अपने ट्विटर हैंडलर पे इसको कंफर्म नहीं करते अगर इस तरह से ना होता। तो एक चीज़ तो ये सर्टन है कि जॉब्स आपके पास डेफिनेटली आएंगे, उनमें थोड़ी देर सवेर ज़रूर हो सकती है, उसमें ये ज़रूर मुमकिन है स्लाइड शो नहीं हो रही। क्या स्लाइड्स आपके पास विजिबल नहीं है? मुझे लगता है कि स्लाइड हमने शो नहीं की हुई, लेकिन विजिबल है। अगर आप चाहें तो जूम इन कर सकते हैं। क्या स्लाइड्स विजिबल हैं? कोई कन्फर्म कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, ये विजिबल है। थैंक यू सो मच इकरा आपके लिए, एंड वालेकुम सलाम, मैंने अभी आपको महसूस देखा। अच्छा जी, हमारे पास जो है एक चीज़ सर्टन हो गई कि हमारे पास जॉब्स जो है वो डेफिनेटली दे दे। सो इसके लिए हमने सोर्स जो है वो कन्फर्म करने के लिए हमेशा ही होना चाहिए रिलायबल सोर्सेज जो हैं, तो वो हमारे पास जो खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे ज़्यादा रिलाय हम किस पे कर सकते हैं। सो इससे पहले हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, सिर्फ कुछ सेकेंड्स में तारुफ हमारे इंस्टीट्यूट का हो जाए। मेरा नाम जी प्रोफेसर राना मुबशिर रजा है, अभी मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में सर्व कर रहा हूँ। मेरी अभी जो पोस्टिंग है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज डस्का में है, सियालकोट के अंदर है, और जो इससे पहले मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा था, वहाँ पे भी मैं जो है वो एक स्कूल का हेडमास्टर था। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम किया, उसके बाद जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मूव किया। सो MOCC कंपटीटिव एग्जाम्स अकेडमी, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं, वाकिफ़ हैं, बाकी डिटेल्स देखना चाहेंगे तो वो हमारे और प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन अभी टाइम चूंकि कम है और अभी हम सिर्फ बात करना चाहते हैं टू द पॉइंट, तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ हो गया। अब आगे हम चलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन जो है वो बड़ा पॉपिंग क्वेश्चन है कि
पीपीएससी के जरिए ये जॉब्स आ रही हैं, एनटीएस के जरिए आ रही हैं, एमटीएस के जरिए आ रही हैं, जेडटीएस के जरिए आ रही हैं, पीटीएस के जरिए आ रही हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए आ रही हैं। और हो सकता है कि बहुत सी टेस्टिंग एजेंसीज ऐसी हों जिनका नाम आपने पहली दफा सुना हो। मुमकिन है कि बहुत से लोगों को ये लगता हो कि अच्छा, ये कौन सी ऐसी हमारे पास जो हैं वो जॉब्स हैं, ये एनटीएस क्या है, जेडटीएस क्या है, पीटीएस क्या है, ईडीयू क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज लिख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। हिस्ट्री में वैसे आज तक ऐसा नहीं होता है कि अगर इंस्टीट्यूट एक दफा कोई जॉब अनाउंस कर देता है, जो कि 2019 में हमारे पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको अनाउंस कर दिया। इसके लिए सबसे अच्छा चीज हो सकती है हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए कि हम गूगल पे चले जाएं। गूगल पे जाने के बाद हम जो हैं वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स लिखें, और जॉब्स लिखने के बाद नेक्स्ट हैं वो हम देखेंगे कि 2019 में जो जॉब्स थी वो जो मीडियम उस वक्त इस्तेमाल किया गया था वो पीपीएससी था। लेकिन हमारे पास रिलायबल सोर्स है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ही तरदीद जो है वो मुराद राज ने की, और मुराद राज जो है वो बहुत रिलायबल सोर्स है। अब हमें वो कहते हैं कि ये पीपीएससी की तर्ज का ही एक इदारा होगा। एक चीज जो यहाँ पे तश्वीशनाक है, एक चीज जो यहाँ पे हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, एक चीज जिसको हम निगेट नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, वो ये है कि आपने एक चीज नोट की होगी कि वो टाइम एंड अगेन एक चीज कहते हैं कि ये पीपीएससी की तर्ज का ही एक इदारा होगा, ठीक है, या ये एनटीएस की तरह का एक इदारा होगा। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये एनटीएस होगा, या उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि ये पीपीएससी। एक डायलिमा है हमारे पास, एस्पिरेंट हैं वो एक प्रॉब्लम का शिकार हैं कि ये एनटीएस की तरह का एक इदारा होगा, तो कुछ कहते हैं ये एनटीएस ही होगा, कुछ कहते हैं कि ये पीपीएससी की तरह का इदारा होगा तो ये पीपीएससी होगा। लेकिन हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसे इदारे का नाम है कि अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके पास, उनके पास आप अप्लाई करते हैं और ढंग के बंदे नहीं पहुंचते हैं, 20 सीटें हैं, तो वो 20 की 20 सीटें खाली छोड़ देते हैं और डिपार्टमेंट को लिख के भेज देते हैं कि नो सुइटेबल कैंडिडेट फाउंड अगेंस्ट दीज सीट्स। तो ये एक सिचुएशन है। एनटीएस का फायदा ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, टेस्ट थोड़ा आसान होता है, इंटरव्यू बराए नाम होता है, जॉब लेना आसान हो जाता है। सो हमारे यूथ जो है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सभी शामिल हैं, हमें ये लगता है कि एनटीएस जो है वो शायद इसके जरिए वो अनाउंस करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं सबसे पहले मैं जो है वो आपके लिए ये बेस्ट विशेष हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है, ठीक है। द बेस्ट विशेज आर देयर कि ऐसा होना चाहिए ताकि आपको लगे, लेकिन कभी भी हमें ये सुनने को नहीं मिला कि एनटीएस के जरिए आ रही है। हमेशा यही कहा जाता है कि एनटीएस की तर्ज का एक इदारा है, ठीक है। सो माजी में जिस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एनटीएस को, एनटीएस ने डिपार्टमेंट को चीट किया और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए, तो बहुत 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 चांसेस हैं कि पीपीएससी से ही ये जॉब्स आएंगी, और पीपीएससी का मतलब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ही होगा। और याद रखिएगा कि अगर 2019 में जो है वो एक दफा ये जॉब्स पीपीएससी के जरिए अनाउंस हो चुकी हैं, तो ऐसा कभी मुमकिन नहीं होता कि वो उससे वापस ले लें। दूसरी चीज, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर इतना चक्कर ना होता, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही 16 स्केल पे काम करने वाले वो लोग जो कि 2012 के बाद, यानी कि 2012 के बाद से ऑनवर्ड जो हैं, जितने भी लोग 16 स्केल पे काम कर रहे हैं, ये जो एनटीएस के जरिए भर्ती हुए थे, गवर्नमेंट ने अभी तक उन्हें रेगुलर नहीं किया। ये आप अपने करीब किसी भी स्कूल के अंदर जाके देख सकते हैं, वो लोग 2012 से ऑनवर्ड जो है वो एनटीएस के जरिए भर्ती हुई, और 2018 आखिरी साल था जिसमें एनटीएस ने भर्ती की, अभी तक ये लोग रेगुलर नहीं हो सके, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, और इनकी सैलरी जो है वो जाता है, समझ में आती है कि हमारे लिए सेफ एंड पे बेहतर ऑप्शन ये है कि हम जो है पीपीएससी को जेहन में रख के चलें। अगर हम पीपीएससी को जेहन में रख के चलेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम एनटीएस को, एमटीएस को, ABCZD किसी के जरिए भी आती हैं तो हम उसको आसानी से कूप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जितनी चीजें हमने अभी तक डिस्कस की हैं, क्या यहाँ तक क्लियर है, ताकि हम इसके बाद आगे मूव ऑन कर सकें। यहाँ तक क्लियर है?
आपके जितने क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्वेश्चंस आपसे एंड पे जो है वो जरूर लूंगा, ठीक है? सो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक चीजें जो है वो आपके पास ले, ओके दैट्स फाइन। थैंक यू निधा, थैंक यू इकरा, आप दोनों ने मीरबाज, थैंक यू सो मच। अच्छा अब हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन जो है वो आता है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, तो चले एक तो मिडवे कन्फर्म हो गया कि हमें पीपीएससी को जहन में रख के प्रिपेयर करना है, लेकिन हम पीपीएससी के जरिए करेंगे कैसे? और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम एडवर्टीजमेंट से पहले क्या करें। पाकिस्तान में हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बासी हैं, हम ऐसे मुल्क के बासी हैं कि जिसमें हमें ऐसे लगता है कि शायद इश्तहार आने के बाद ही जो है वो हम करेंगे, और कोई भी किताब लेंगे मार्केट में से, डोगर डोगर बुक्स जो हैं वो ले लें। नहीं, इन्होंने ज्वाइन नहीं की होगी ऑडियो, सुमिदा राहत साहिबा ने, इन्हें कोई चैट बॉक्स में लिखें कि ये ऑडियो ज्वाइन करें ताकि इनको जो है वो आवाज आ सके, इन्हें पता चल सके कि करना है, ठीक है? आई थिंक इनके कोई इश्यूज हैं, इनकी कोई हेल्प आउट कर दी पाएंगे हम। अच्छा जी, हमें करना क्या है, व्हाट टू डू बिफोर एडवर्टीजमेंट? पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा अलमिया है, इतना बड़ा अलमिया है कि हमारे पास जो है जैसे ही एडवर्टीजमेंट आती है मार्केट के अंदर धड़ाधड़ पब्लिशर्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या डोगर, क्या ABCD, कितने पब्लिशर्स टाइटल चेंज करते हैं और अंदर वही मटेरियल होता है, और वो एक बुक तैयार करके रेडीमेड बुक आपको पकड़ा देते हैं। हमारे एस्पिरेंट्स उन्हीं किताबों से, मुज़क्का खेज सिचुएशन यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किताबें जो रातों रात तैयार हुई हैं वो इनको सक्सेस दे सकेंगे। मैं ये नहीं कहता किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, मैं ये नहीं कहता कि आप खुदा ना खासा किसी एक किताब पर रिलाई करें। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि जब भी एडवर्टीजमेंट के लिए किसी जॉब की प्रोफेशन के लिए ठान लें आप, मिसाल के तौर पर आपने सोच लिया कि आपने जो है वो लेक्चरशिप की या आपने एजुकेटर्स की तैयारी करनी है, अब आपके ठीक है, आई थिंक इकरा ने हेल्प आउट करने के बाद पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है। अब मेरा ये ख्याल है और ऐसा होना चाहिए, और खुद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को थ्राइस क्वालिफाई करने की और 130+ स्टूडेंट्स के एलोकेशन के बाद ये बहुत सेफ है कहना आपके लिए कि आप लोग जो हैं जब भी एडवर्टीजमेंट का वेट करने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सक्सेस। देयर आर वेरी लिटिल चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। जब आप एडवर्टीजमेंट वेट करते हैं, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिमूव दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड कि आप इश्तहार आने का वेट करेंगे। आप कोई भी किताब ले लें, अब यहाँ पे जब मैंने कोई भी किताब ले ली, कि इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सी र्यूमर्स हैं कि आप मैट्रिक की किताबें उठा लें, आप इंटर की उठा लें, आप प्राइमरी की उठा लें, फॉर गॉड सेक ऐसा नहीं कीजिए। हमारे पास पिछले पेपर्स मौजूद हैं, ESE के पेपर्स मौजूद हैं, सिलेबस दिया गया हुआ है, सिलेबस मौजूद है निदा यकूब साहिबा, सिलेबस मौजूद है, आप उसे सिर्फ ढूंढने की कोशिश कीजिए, शायद आप ढूंढ नहीं सके होंगे। उसको हमें फॉलो करना है और उसको हमें प्रिपेयर करना है। एडवर्टीजमेंट से पहले हमारे पास जरूरी हैं वो तमाम के तमाम टूल्स हमारे मौजूद हों जो हमें हेल्प आउट करेंगे कि हम किस तरह से अपने इस एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। क्या हम जो मटेरियल पढ़ रहे हैं क्या वो मटेरियल हमें कुछ दे, ऐसा तो नहीं है, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग सेल्फ ब्लैकमेल बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी किताब मार्केट से ले ली, वहां पे 900 हजार रुपये उसके ऊपर खर्च किया, अब हम उस किताब को पढ़ रहे होंगे, हम सेल्फ ब्लैकमेल होते रहते हैं, हम ये समझते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है, अब मैंने इस पे चूंकि स्पेंड कर लिया इट इज गोइंग टू गिव मी द बेनिफिट। नहीं, मटेरियल अच्छे से सिलेक्ट करें। मैं अभी आपको इसी लेक्चर में गाइड भी करूंगा कि अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, अगर नहीं है तो भी आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि आज ओरिएंटेशन सेशन है, तो उन लोगों के लिए भी कि जो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हैं वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, तो उनके लिए भी इसमें जो है वो गाइडलाइंस उन्हें जरूर मिल जाएगी। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं से पहले की बात है जो है वो। अच्छा जी, एडवर्टीजमेंट आने के बाद क्या करना है अब हमें, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, ये वो टाइम है जिसमें ये एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे, जितने भी बैचेस चलते हैं पीपीएससी के लिए हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती हैं कि आपने एडवर्टीजमेंट आने के बाद कम से कम आपने चीज़ें जितनी पढ़ी हुई हों
उनको रिवीजन मूड पे आप अब जो है वो तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज अप्लाई किया, कल आप किताब लेने चले गए, डोगर सन्स की कोई किताब उठाई, वही किताब जो उन्होंने 1000 दफा पब्लिश की और वो पता नहीं किसके लिए थी, किस जॉब के लिए थी, वही आपको जो है वो उठा के दे दी। एडवर्टीजमेंट आने के बाद जो काम है वो होगा आपका रिविजन। एडवर्टीजमेंट आने के बाद जो काम होगा वो है आपके मॉक टेस्ट सेशंस, उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर आना है, उसी पैटर्न पे खुद को रिवाइज करना, उसी पैटर्न पे तमाम चीजों को दोबारा से देखना। सो ये हम करेंगे आफ्टर द एडवर्टीजमेंट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन हम इसके बाद और क्या क्या चीजें हमारे पास हैं देखिए। रिटन टेस्ट जो होता है ये आपके सामने स्क्रीन पे भी आ गया, रिटन टेस्ट प्रिपरेशन एंड थर्ड क्लास मटेरियल। अपने मटेरियल को कभी भी थर्ड क्लास मटेरियल से तैयारी नहीं की जाएगा। यहाँ पे थर्ड क्लास मटेरियल से मुराद ये है कि जो आपको आसान तो लगता है लेकिन उसको पढ़ने का फायदा नहीं है। देखिए एक अच्छा, अगर आप जो हैं आप अच्छा सोर्स ले लेते हैं किसी अच्छे मेंटोर के पास हैं, या आपके पास कोई अच्छा सोर्स है, अगर आप वहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से कर सकोगे। ठीक है, रिटन टेस्ट आपके लिए इतना जरूरी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हमारे पास, क्योंकि हम इसी को ज़हन में रखेंगे पीपीएससी के जरिए, ताकि हमारी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। हमारे पास हर जॉब के 3 चांसेस होते हैं, 3 से ज्यादा दफा हम एक पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते पीपीएससी में। अगर हम फेल हो जाते हैं 40 से कम है तो फिर ये पॉलिसी हिट होती है, ठीक है, वरना हम ज्यादा दफा अप्लाई कर सकते हैं। हमें वो मटेरियल कभी नहीं लेना, वो मटेरियल कभी रिलाई उस पर नहीं करना जो हमें हेल्प आउट नहीं करेगा। अब ये कौन सा मटेरियल हेल्प आउट करेगा, थर्ड क्लास मटेरियल से कैसे अवॉइड करना है, किताबें तो हजारों की तादाद में है, विकीपीडिया पे सर्च कर लें, कई कई वेबसाइट्स हैं, तो हमें कहाँ से देखना है कहाँ से नहीं करना। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए और बाकियों के लिए भी मैं बता देता हूँ, हमारे पास ही एमओसीसी की अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है। अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या फॉर्चुनेटली कह लीजिए, हम अपने स्टूडेंट्स को मार्केट का कोई मटेरियल नहीं खरीदने देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसका कोई चार्जेस चार्ज करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन हम जो हैं मार्केट के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं हम उसे बिल्कुल अवॉइड करते हैं। कह लीजिए कि हमें इस पे यकीन नहीं होता और जो चीज़ें हमारी नज़र से गुजरती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। डिजिटल लाइब्रेरी होती कैसी है, चलिए एक आउटलुक देते हैं इसके जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। ये अभी हमारे पास जो है एक फोल्डर ओपन हो गया है, इस फोल्डर के अंदर क्या है हमारे पास समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहले थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे आपको जो है वो करंट अफेयर नोट्स जो है वो मिलना है, कि वो हमारा फोल्डर है जहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड नोट्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते चले जाते हैं। और करंट अफेयर के बाद आप चाहें तो स्क्रीन को जूम इन कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसको जूम इन कर सकते हैं। करंट अफेयर के साथ हमारे पास एवरीडे साइंस आ जाता है, इसके बाद हमारे पास जीके आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज आ जाता है, ये मंथली हमारे पास नोट्स आ जाते हैं, मिसेलिनियस नोट्स हैं, पाकिस्तान अफेयर के नोट्स हैं, इसके बाद वन लाइनर हैं हमारे, कंप्यूटर शॉर्ट कीज हैं। सारे के सारे जो नोट्स की हमारी अपनी सीरीज हैं ये अपडेट होते रहते हैं, हमारे अपनी ड्राइव है, हमारे अपने फोल्डर्स हैं। ये ना सिर्फ आपके एजुकेटर्स को बल्कि वन पेपर के जितने एमसीक्यूज हैं उनको ये कवर करती है, और ना सिर्फ ये बल्कि आपकी डिस्क्रिप्शन में जो बच्चे हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में बाय डिफॉल्ट इसका लिंक दे दिया गया है, दे आर नॉट सपोज टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। ये सिंपल सा लिंक बस उन्होंने अपने पास महफूज रखना है, जिस भी चीज के उन्हें नोट्स चाहिए होंगे वो सिंपली उस फोल्डर पे आके क्लिक करेंगे, और ये हमारे नोट्स अभी एजुकेटर्स 2022 के प्रस्पेक्टिव में अपडेट हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे पुट करते चला जाएंगे, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये पीडीएफ फाइल्स को एक सिंगल क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है मार्केट से ABCZ बुक्स जो हैं वो खरीदने की, ये फाइल्स इतनी ज्यादा नहीं है कि इन्हें पढ़ा ना जा सके। हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि ये थर्ड क्लास मटेरियल नहीं है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके बाद मैं ये आपको श्योरिटी जरूर दे सकता हूँ कि आपके वन पेपर के हवाले से जितनी चीजें हैं वो कहीं नहीं जा रही हैं, ठीक
ठीक है, वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। सो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है, हम अपनी स्लाइड शेयर पे वापस चलते हैं। सो जी, डिजिटल लाइब्रेरी हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट रिलायबल सोर्स, उनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ना तो उन्हें किसी किताबों पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ना उन्हें ABC एक एक फाइल को उन्हें डेली बेसिस पे करने की सिर्फ जरूरत है, वो एक एक फाइल को डेली बेसिस पे करते चले जाएंगे एंड द थिंग्स विल बी फाइन। लेकिन हमारे पास, हम एक ही सोर्स पे रिलाई नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि एजुकेटर्स की जॉब हैं या PPSC के लिए कोई और जॉब्स होती हैं, उनके लिए डेफिनेटली हमें मल्टीपल चीज़ों को कवर करना होता है। आसानी के लिए हमने प्रेपरेशन को डिवाइड कर लिया। डिवाइड किस में किया? कोर सब्जेक्ट्स के साथ और अलाइड सब्जेक्ट्स में। हमारे पास दो डिविजन्स होगी। अब कोर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से होंगे? PPSC का कोई सा पेपर उठा के देखें, सिर्फ PPSC ही नहीं, आप एंट्रेंस का कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, NTS PPSC का कोई सा भी पेपर उठाते हैं, अब ऐसा सब्जेक्ट जिसके मार्क्स 20 से 25 तक रहते हैं, वो हमारे पास कोर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी कि मान लीजिए, अगर हमारे पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है और इस इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 20 से 25 तक हैं, तो ये कोर सब्जेक्ट है। अब कोर सब्जेक्ट की फर्दर डोमेन हो सकती हैं, जिसमें हर दफा जिस तरह से PPSC के FPSC के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हो सकते हैं, जैसे कंपाउंड सेंटेंसेस क्या हैं, सिंपल सेंटेंसेस क्या हैं, आपने किस तरह से जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैबुलरी है, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, प्रपोजिशन का यूजर्स है, या आपने किस तरह से रीडिंग कम्प्रीहेंशन करना, ये कोर सब्जेक्ट के अंदर सारी की सारी चीजें हैं। सो ये हमारे पास एक मिसाल है। इसी तरह से उर्दू है, वो भी कोर सब्जेक्ट के अंदर शामिल है। एजुकेटर्स के लिए GK है, करंट अफेयर है, तो इन तमाम चीजों को हम कोर सब्जेक्ट कहते हैं। कोर सब्जेक्ट के साथ जो दूसरी चीज आती है वो हमारे पास है अलाइड सब्जेक्ट। हर वो सब्जेक्ट जिसके मार्क्स जो हैं वो कम से 5 से 10 के दरमियान रहते हैं, वो हमारे पास इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, 5 से 10। हम अपनी प्रेपरेशन के अंदर दोनों चीजें, कोर सब्जेक्ट प्लस अलाइड सब्जेक्ट्स, दोनों को कवर करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम उर्दू, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो इन्हीं चीजों को देखेंगे, बल्कि अलाइड सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं उनको भी हम अपने प्रिपरेशन का हिस्सा बनाएंगे। ये एक चीज आम देखने में आई है कि जब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रिपरेशन तो करते रहते हैं, लेकिन थोड़े अरसे बाद उनकी तैयारी बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। वो पढ़ते रहते हैं लेकिन शायद कोई रिजल्ट्स नहीं आते। उसकी बड़ी वजह होती है कि उन्होंने कभी अपने आप को किसी टेस्टिंग सिस्टम से गुजारे नहीं होता। उनको जब डायरेक्टली प्रिपरेशन करते रहते हैं तो वो रेस में चूंकि अकेले दौड़े होते हैं, उन्हें यही लगता है 1 घंटा भी पढ़ने के बाद कि मैं तो सबसे बेहतर हूँ, मैंने 1 घंटा पढ़ लिया तो अब मैं टॉप करने जा रहा हूँ। हम MOCC पे मंडे का दिन हमारा जो है वो डेडिकेटेड होता है, हमारा सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे को, हर मंडे को टेस्ट सेशन होता है, और ये टेस्ट सेशन आपके PPSC के या पैटर्न के मुताबिक होता है। जो काम आपने पूरे वीक में किया होता है आपको उसी का एक टेस्ट देना होता है, और ये टेस्ट अगेन उसी तरह से आपके पास जो है वो जो एक्चुअल पेपर है उसी एक्चुअल पेपर के पैटर्न पे, इसी हम अलीट क्लास सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, आपका रिजल्ट आपकी ईमेल पे आ जाता है, जवाबात आपकी ईमेल पे आ जाते हैं, आपका कहाँ से कौन सा एरिया वीक है आपका स्कोर आपके ईमेल पे आ जाता है, इसे इम्प्रूव करना है आपको। हमारी एक रिकमेंडेशन आपको सेंड होती है कि डिजिटल लाइब्रेरी में से ये वाला सेक्शन आपको लेना है और ये सेक्शन आपको ज्यादा हेल्प आउट कर सकेगा, कि यहाँ यहाँ पे आपके पास जो है वो इम्प्रूवमेंट है कि आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस आप अपनी रिपोर्ट्स को भी आसानी से देख सकते हैं कि जब आपने ज्वाइन किया था डे फर्स्ट में आप कहाँ पे खड़े थे और अभी जो है आप कहाँ पे हैं। सो एक इवेल्यूशन पे कंप्लीटली चेक एंड बैलेंस, अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये देख सकें कि डे फर्स्ट में आप कहाँ पे थे, डे 30 पे आप कहाँ पे थे। एक चीज याद रखिएगा, मुकाबले के इम्तहानात दूसरे इम्तहानात से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इन इम्तहानात में आपको पास या फेल नहीं होना है बल्कि आपका मुकाबला होता है, इसीलिए तो इन्हें हम कंपटीशन का एग्जाम कहते हैं। आपको अपने जैसे कम से कम 5 से 10 लोगों के साथ कंपीट करना है और ये साबित करना है कि आप जो हैं उनमें से बेहतर हैं, और अगर आप बेहतर हैं तो वो तभी मुमकिन है जब आप इन टेस्ट सेशंस में से गुजरे होते हैं। तो हम इन तमाम चीजों को आपके लिए इन्फोर्स करते हैं। इसके बाद
आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्यादा हेल्प आउट करती हैं। मान लीजिए कि खुदा ना खासा ऐसा होता है कि जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन किया, मान लीजिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कह लीजिए कि उन्हें लगा कि यार एजुकेटर्स की जॉब नहीं आई। हमारा सेशन इस तरह से डिजाइन है कि हम आपके फ्यूचर को फिर भी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम एक चीज अक्सर कहा करते हैं कि हम एमओसीसी पे आपको अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि क्लाइंट्स की तरह से। हमारे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये सेशन अगर आप अटेंड करते हैं और आप फील करते हैं कि वन पेपर एग्जाम्स जितने भी आपके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से हैं जो आते रहते हैं, या जो आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से हैं, उनके लिए हाईली बेनिफिशियल सेशंस होंगे। पहली बात तो हमारा 100% फोकस हमारे एजुकेटर्स के जॉब है, जो कि डेफिनेटली पाइपलाइंस में है। मान लीजिए कि हमारे पास 0.1111% भी चांसेस ऐसे हैं कि वो नहीं आ रहे, तो हमें इसका ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर हम नाकाम हो गए। हम इसको यूटिलाइज करेंगे हमारे वन पेपर एग्जाम्स के लिए। अब वन पेपर एग्जाम्स कितने इंपॉर्टेंट हैं वो तो आप सभी जानते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपके साथ बताना चाह रहा था, ये खसूसन उन लोगों के लिए जो खुद से अपना टाइम जो है वो कंज्यूम करना चाहते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, इस फेसबुक पेज को विजिट करने का सबसे पहले देख लीजिएगा कि एमओसीसी को कोई डॉलर्स नहीं मिलते हैं, कोई पैसे हमारे अकाउंट्स में नहीं आते हैं कि खुदा ना खास आप ये सोचें कि इस पेज को विजिट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एमओसीसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स अकेडमी जो है वो मलिक रियाज की तरह बहुत बड़ी बड़ी जमीनें खरीद लेंगे। यूट्यूब को विजिट करने के डेफिनेटली मोनिटाइजेशन होती हैं। फेसबुक पेज पे हम अपने पेजेस पे वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, यहाँ पे आपके लिए क्वालिटी ओरिएंटेड मटेरियल अवेलेबल होता है, अपडेट्स अवेलेबल होते हैं। वो लोग, ये मैंने लिखा फ्री नोट्स एंड अपडेटेड एंड अपडेट्स, ये हमारे पास जो अपडेट लेना चाहें, एक सिंपल सा यूआरएल है facebook.com के बाद /MOCCLive है, ये सिंपली आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एजुकेटर के हवाले से आने वाले दिनों में अपडेट्स और न्यूज़ भी मिलती रहेंगी, ठीक है। अगर आप कभी भी कुछ भी चेक करना चाहें तो यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। प्लस वो लोग जो प्रिपरेशन के लिए हमें ज्वाइन नहीं करते हैं, हमारे सारे नोट्स तो डेफिनेटली कभी भी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन कुछ नोट्स हमारे जो हैं वो फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिए जाते हैं और वो यहाँ से ले सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ हमारे कुछ लेक्चर्स, हमारे यूट्यूब का चैनल है एमओसीसी स्टडी बीट्स के नाम से, सब्सक्राइब इसको इसलिए कर लीजिएगा कि अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है ना। ऑलरेडी सब्सक्राइबर इनफ हैं, आप इसको सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट हो जाएगा। हम अपनी वीडियोस में भी कोई इतनी ज्यादा तरले मिनते नहीं करते हैं कि सब्सक्राइब करें, हमारा मकसद आपका फ्यूचर होता है। ये सारी सारी चीजें जो हैं वो दे आर नॉट आर मेन कंसर्न, तो इसके ऊपर भी आपको बहुत बेहतर चीजें मिलती रहेंगी अगर आप सेल्फ स्टडी के इंटेंशन में हैं। बट वंस अगेन, ये चीजें रैंडम होंगी, ये चीजें एक पैटर्न में नहीं होंगी, ये चीजें जो हैं ऑफ एंड ऑन अपडेट होंगी, तो आप क्लास का हिस्सा जो है वो इन शायद नहीं बन सकते हैं। अब हम शेयर करते हैं कि हमने जो है, आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, ये थोड़ा सा शॉर्ट सेशन होगा। हम जो है वो रेगुलर क्लास हमारी जो है वो 60 से 70 मिनट की होगी। आज हम सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर अपने डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस हमारे स्टूडेंट्स के लिए इनेबल है, लिंक उनके ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो वहां से जो है वो उसको एक दफा विजिट आज जरूर कर सकते हैं। और मंडे से ऑनवर्ड्स जो है वो हमारे पास, हमारा पहला सेक्शन जो है जो इंग्लिश का पोर्शन है, हम वीकली बेसिस पे हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो मंडे से फ्राइडे तक हमारा इंग्लिश का पोर्शन होगा, हम उसको कवर करेंगे। तो इसी तरह से अगला जो सेक्शन है हमारे पास जो है जीके और सीए का है, फिर हमारे पास जो है वो बी मैथ का है, इन तमाम चीजों के हिसाब से लेके चलेंगे। सो इंग्लिश के पोर्शन में हमारे पास क्या कवर होगा, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। इसमें हमारे पास सिनोनिम्स होंगे, इसमें हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे, इसमें हमारे पास बेसिक ग्रामर होगी, इसमें हमारे पास जो है वो नरेशन होगी, इसमें हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, इसमें हमारे पास जो है वो तमाम क्वेश्चंस होंगे जो इससे पहले पीपीएससी का पैटर्न है। अब पीपीएससी के क्वेश्चंस जो हैं वो उनका हिस्सा रह चुके हैं एक्चुअल पेपर में, प्रीवियस पेपर्स होंगे। जो पेपर्स में से इंग्लिश का सेक्शन आ चुका है हम उनको डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास होगा जी इंग्लिश के हवाले से। इसी तरह से आगे चलते हैं, अगली स्लाइड कीजिएगा जी, ठीक है।
उर्दू का सेक्शन अगर आप देख लें, क्योंकि उर्दू में सभी उर्दू इस तरह से उन्होंने पूछी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में सीएसएस का जो एमपीटी था, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें भी बिल्कुल साइलेंट और मम हो गए, और उर्दू में से जिस तरह से बाजू का मुहावरे आ जाते हैं, उसके लिए छोड़ना, काफूर होना का क्या मतलब है, ठीक है, इस किताब के मुसन्निफ कौन है, इस किताब के बानी कौन है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये हमारे पास इन चीज़ों के साथ साथ कुछ बेसिक इडियम्स, मुहावरे जो होते हैं, चीज़ों को मुकम्मल करना, ग्रामर जो है, सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह इसमें भी हमारी कंप्लीट होंगी, जो हमारे पास वन पेपर का हिस्सा होती है। मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा आखिरी 5 मिनट में, बस मैं 2-3 मिनट आपसे और लूंगा, और उसके बाद हम जो हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे, और क्वेश्चंस के बाद इंशाल्लाह सेशन को एंड करेंगे, और मंडे से इंशाल्लाह हमारी क्लास जो है वो प्रॉपर शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, इसी तरह से कंप्यूटर सेक्शन में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, शॉर्ट कीज हैं, फॉर्मूलाज हैं, नोट्स हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे आपके, हमारे पास इन साइट्स की जो पीपीएससी की न्यूज़ होती हैं या एनटीएस की न्यूज़ होती हैं, वो तभी आती हैं जब कोई एड आ जाता है, ठीक है। तो अभी तक जो है वो शॉर्ट कीज अपडेटेड हैं, फार्मूला हैं, ये सारे के अपडेटेड हैं, कैसे करने हैं ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हर सेक्शन की चीज़ें जो हैं वो आपकी डिजिटल लाइब्रेरी में अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद अगला सेक्शन हमारे पास जो है वो जीके और सीए का सेक्शन है, इसमें हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, हमारे पास अपडेटेड एमसीक्यूज हैं जो अभी किए जाते हैं, इसमें आपको किसी भी वेबसाइट को या बुक को खरीदने के लिए और फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम हर उस वेबसाइट से मटेरियल खुद ही ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं जो क्वालिटी वाइज इंपॉर्टेंट होता है और आपके लिए अहम होता है, और हर वो मटेरियल खुद ही हम उसको रूल आउट कर देते हैं जो आपको बेनिफिट नहीं देता है। एक किताब या एक वेबसाइट जिसपे हजारों की तादाद में एमसीक्यूज हैं, सभी आपके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें खुद से आपके लिए सॉर्ट आउट करके और आसान पीडीएफ में आपको जो है वो आपकी अपडेट ड्राइव के अंदर जो है वो उसको कर देते हैं, ठीक है जी। सो टू सम अप द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि एवरीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स विल बी डेफिनेटली इंक्लूडेड, और वो सारी की सारी चीजें शामिल होंगी, हम उनको ना सिर्फ शामिल करेंगे बल्कि हमारा इंशाल्लाह फोकस रहेगा कि ये चीजें आपके जो है वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये चीजें जो है वो आपको कवर अप करनी चाहिए, ये चीजें जो है वो आप इसको ढंग से इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। एक स्क्रीन को शिफ्ट किया है और मैं ये चाह रहा था कि इसको हम जूम इन करके देखें, ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास जो है वो है जी इंग्लिश सब्जेक्ट एंड प्रीवियस एनटीएस एंड पीपीएससी पैटर्न के जो एग्जाम्स हैं, ये चीजें होंगी। सो यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स इन फर्स्ट वीक, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि फर्स्ट वीक में हमारे पास ये चीजें जो हैं वो होंगी, और इन चीजों को ना सिर्फ हम कवर करेंगे बल्कि आफ्टर फर्स्ट वीक हमारे पास जो है वो इस पीपीएससी के पैटर्न पे ही पेपर होगा, ठीक है जी। तो ये हमारी जो है वो डिटेल्स हैं सारी की सारी चीजों में, लेक्चर में 40 मिनट की सेशन में मैंने कोशिश की, और हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि कंस्ट्रक्टिव जो है वो डिस्कशन रहे। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बड़ा प्रिसाइसली पूछा जा सकता है, मैंने कोई थर्ड क्लास जो है वो मटेरियल आपसे डिस्कस नहीं किया, या हमने कोई गॉड फॉरबिडन अपने इश्तहारात आपको नहीं दिखाए, एक मैंने वे आउट आपको बताया कि किस तरह से आपको मूव मूव ऑन करना है, और आपके लिए ये क्यों जरूरी है कि आप अपने आप को एजुकेटर्स की जॉब के लिए एड से पहले प्रिपेयर करें। अगर अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं 2 से 3 मिनट आपके क्वेश्चंस का वेट करूंगा, आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, कि कोई कंफ्यूजन है उसे पूछा जा सकता है, हमारे पास जो है वो 3 मिनट्स हैं, और उसके बाद हम अपने सेशन को सम अप करेंगे, और मंडे से ऑनवर्ड जो है हम अपना पहला सब्जेक्ट जो है वो जो इंग्लिश है, और उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। हिशाम, आप अपना माइक ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने माइक आपको ओपन करने की इजाज़त दे दी जी। हिसामुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हिसाम, यस सर, क्या हाल है सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली फाइन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पूछना यह था कि ये लाइब्रेरी आपकी ओल्ड स्टूडेंट के लिए भी है या सिर्फ न्यू के लिए होगी?
अच्छा हिसाम इसका ना स्टेटस हमारे जो है जो नंबर है ऑफिशियली आपके पास सेफ ही होगा, लेकिन 0331-400-3500 पे वाया व्हाट्सएप कंफर्म किया जा सकता है। ठीक है, वो आपको जो है वो बता सकते हैं और इसको वहां से जो है वो मालूमात दी जा सकती है। सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो इसी नंबर पे अवेलेबल होती है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं मिले रिस्पॉन्स तो फिर मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप पूछ लीजिएगा, आपके पास होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। जी अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और आपके साथ जो है लिंक शेयर करूंगा आखिर पे, और उसके बाद सेशन को खत्म करते हैं। facebook.com तक का तो सभी को पता है, एक लिंक तो मैंने बता दिया कि पहले जो है वो आप याद रखेंगे MOCC लाइव को, दूसरा लिंक जो है वो आप याद रख लीजिएगा MyMOCC लाइव। ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर जो है वो सारे के सारे, वैसे तो ये CSS PMS के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आपको काफी चीजें जो है वो यहाँ पे भी मिल जाएंगी जो आपको हेल्प आउट करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर आप जो है वो स्लैश लगा दें तो उसके बाद MOCC लाइव पुट कर दीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि CSS PMS के लेवल के यानी कि प्रेपोजिशन और इन तमाम चीजों के हवाले से भी नोट्स मिले तो वो यहाँ से मिल सकते हैं। सो जी विद दिस नोट आई एम अज्यूमिंग कि हमने मैक्सिमम चीजों को डिस्कस किया, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है, मैं इस सेशन को जो है वो खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस फेसबुक पेज पे या नंबर पे कांटेक्ट करके बस या व्हाट्सएप पूछा जा सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और एक चीज याद रखिएगा, कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियान सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, और फर्क ये होता है कि कामयाब बंदों के पास बहुत सी मजबूरियां होती हैं, लेकिन एक वजह होती है किसी काम को कर गुजरने की, और वो कर गुजरते हैं। नाकाम लोगों के पास हजार बहाने होते हैं किसी काम को ना करने के, और वो कभी नहीं करते हैं। कोशिश कीजिए अपनी वो वजह तलाश करें कि आपको क्यों कर गुजरना है और ये जॉब क्यों इम्पोर्टेंट है। बाकी अल्लाह ताला के साथ हम सबके आमिन नासिर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मंडे से हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्लास में मुलाकात होती है।